सो ये गया सेकंड पैक. ओके इस साइड से. टिंग 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 टिंग. हाँ, दिस इज माई ब्रांड न्यू एप्पल लैपटॉप. सो इसे ओपन करते हैं. अरे यार ये कुछ डिफरेंस है. मैग्नेटिक एंड दिस इज समथिंग. सो हाय गाइस, इस वीडियो में मैं अपने मैकबुक प्रो M1X 14 इंच की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी मुझे कितने का पड़ा इंडिया में. एंड देन आपको ये भी बताती हूँ इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से ये बेटर है M1X, i5, i9, i7 से. तो आइए देखते हैं. सो लेट्स ओपन इट. ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ओपन करने के बाद. ये बेसिकली मैकबुक प्रो M1X 14 इंच स्पेस ग्रे कलर का है. हमने सिल्वर और ग्रे दोनों देखा था बट फाइनली जो हमें पसंद आया इस दिस वन. सो ये इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक का था वो नहीं है बट नो वरीज मुझे स्टार्टिंग में लगा. बट यहाँ पे आप देख सकते हो सील पैक इनका. ये अभी रिसेंटली ये इस टाइप का सील पैकिंग आ रहा है तो मैं जस्ट आपके सामने ही ओपन करती हूँ. इसको हटा लेती हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस. Ting, 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 ting. So this is going to be open in front of you guys. Yay! कुछ इस तरीके से. Let me open this. Okay, दो साइड से ये लॉक है. मैंने सिर्फ ओपन इस साइड से करा. So ये गया सेकेंड पैक. Okay, इस साइड से. Ting, 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 ting. दिस इज माई ब्रांड न्यू एप्पल लैपटॉप. सो इसे ओपन करते हैं. अरे यार ये कुछ डिफरेंस है. मैग्नेटिक एंड दिस इज समथिंग. एंड ये चार्जर वायर एंड दिस ये कुछ लोगो एंड ये एडाप्टर. सो गाइज जो डिफरेंट है इसमें वो मैंने को खोलते दिखा वो मैकबुक प्रो जो कि पहले के मैकबुक्स में नहीं आते थे. मेरे पास पहले i7 मैकबुक प्रो है. मैं आपको वो भी दिखाऊंगी एंड उससे कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगी. ये डिफरेंट है एंड दिस इज एप्पल का लोगो. एंड देन इसमें ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है. सो ये कुछ मैनुअल एंड देन आई एम जस्ट वेटिंग टू सी एप्पल का ब्लैक लोगो जो वो पहले के लैपटॉप से जो हाई वर्जन के होते थे उनमें देते थे. बट या नाउ दे कैन दे आर गिविंग इट हियर. सो आपको अगर एप्पल की ब्रांडिंग किसी और चीज़ में कर सकते हो उसमें कर उसके लिए. बट या फाइन इसकी कोई यूज़ तो होती है नहीं. बट आइए इसको ओपन करते हैं. सो ओके बिफोर ओपनिंग दिस लेट्स चेक व्हाट आर द अदर थिंग्स. सो इस बार का जो ये चार्जर है चार्जिंग केबल है वो बेसिकली आई कैन सी इट्स अ ब्रेडेड. इट्स नॉट अ नॉर्मल वायर चार्जर. इट्स लुक लाइक अ ब्रेडेड वायर. आई विल शो यू कि क्या है ब्रेडेड. व्हाट डज इट मीन. अरे लेट मी ओपन एंड चेक. इज सिमिलर देन वॉट दे यूज टू गिव. बट यू कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली अ ब्रेडेड वन. इट्स नॉट अ नॉर्मल वन. बट यार हाँ इसमें एक्चुअली ये बेटर इसलिए है क्योंकि ये जल्दी ब्रेक होगा नहीं. अगर यहाँ से मुड़ जाते हैं तो जल्दी ब्रेक होगा नहीं होपफुली. एंड देन दिस इज लाइक चार्जर अडाप्टर. एंड ये ऑब्वियसली एवरी वन नोज लाइक ये बहुत ज़्यादा एप्पल का ये इन्फो बाहर लीक हुआ था कि ये मैक सेफ लेकर आएंगे. तो या हाँ मैक सेफ है. एंड आप इसमें भी देख सकते हो. येस लेट मी शो यू गाइस कितना ज़्यादा. ओ इट्स क्वाइट गुड क्वालिटी. एंड आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग स्टिल इट इज़ नॉट कमिंग आउट. सो एंड यहाँ से ये खुद से ही मैग्नेटिक इट एक्चुअली टेक्स इट्स ओन प्लेस ऑटोमेटिकली. एंड दिस इज लाइक वेरी गुड एंड इट इज़ नॉट कमिंग आउट ईजली गाइज. सो आई वुड से इट्स अ गुड. एंड ये दो पोर्ट दिए हैं ईयरफोन का. एंड इस साइड है इनका HDMI केबल. इन्होंने पेन ड्राइव का तो कोई प्लेस मुझे नजर नहीं आया. वी हैव टू बाय दैट केबल दैट बेसिकली कन्वर्टेड फ्रॉम सी केबल टू दैट SD कार्ड दैट पेन ड्राइव केबल. एंड ये SD कार्ड रीडर भी है. आई डोंट नो क्यों उसकी जरूरत है. बट यार ठीक है कैमराज एंड वगैरह के लिए है जरूरत हो सकती है. सो नाउ इसको मैं आपको ओपन करती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू गाइस कि इसके अंदर एंड इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है एंड वो सारी चीज़ें. तो लेट्स स्टार्ट. इसे I'm going to open in front of you guys only. So, titting, titting, titting. And ये खुलते के साथ ही Apple का प्यारा सा लोगो जो कि आप ही सबसे पहले देख रहे हो. मैं इसके बाद देखूंगी कि किस तरीके का है. बट हाँ टिटिंग टिटिंग दिस इज समथिंग इट इज लुक लाइक. इसके रिजोल्यूशन एंड ऑल भी काफी अच्छा है.
गाइस हाँ, इसके रिजोल्यूशन एंड जो आप कलर क्वालिटी देख रहे हो ये भी काफी अच्छा है. सो ये आ चुका है नमस्ते इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज. सो दिस इज एक्चुअली नमस्ते. ओके चलो इसको देखते हैं. लिटरली यार दिस लुक्स डैम गुड. ओके गाइस लेट्स सी फर्दर. सो बेसिकली जो 14 इंच का है इसमें 8 कोर सीपीयू है एंड 10 कोर जीपीयू है एंड देन देयर इज अ 16GB रैम एंड 512GB SSD है. इसके अंदर स्टोरेज मेमोरी है. सो इसमें एक्चुअली दो वेरिएंट आते हैं. वन इज लाइक 512GB SSD एंड वन इज 1TB. सो इसकी प्राइस मुझे 1,94,900 समथिंग का पड़ा. बट इसकी एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया में एप्पल आई प्लान स्टोर में ही आया है, ना ही अमेजन ना ही फ्लिपकार्ट में आया है. हमें बहुत ही जल्दी लाइक हमें रिक्वायरमेंट थी इसके इसे लेने की. सो वी जस्ट वेंट एंड बॉट इट. अगर ये अमेजन और फ्लिपकार्ट में आते तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट होंगे. बट गाइज वन थिंग जो कि पता चला, ओके आई वॉज रॉन्ग, इट्स अ हेलो इन अदर लैंग्वेज. आई वॉज जस्ट थिंकिंग इट्स अ नमस्ते बट जस्ट करेक्टिंग इट. माइट बी दैट वॉज नमस्ते एंड दिस इज हेलो. बट एनीवे फाइन. सो ये है. सो हमें तो टोटल फुल प्राइस देना पड़ा क्योंकि कुछ डिस्काउंट थे नहीं. हाँ कुछ, हाँ इस पे 10,000 कैशबैक्स हैं HDFC के क्रेडिट कार्ड पे. तो वो अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट कार्ड हमारे एक्सपायर हो चुके थे तो वो चीज अवेल नहीं कर पाई मैं. बट या जो भी है, लाइक आई एम फाइन, आई एम ओके. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस लैपटॉप सिंस सो लॉन्ग. बिकॉज ऑफ दिस आई जस्ट रेंटेड वन लैपटॉप बिकॉज आई वॉन्टेड दिस वन, नॉट द लाइक ओल्डेस्ट वर्जन लाइक i5 i7 वाला नहीं. सो चलिए टाइम बिना टाइम वेस्ट किए इसे देखते हैं. सो यहाँ पे भाई आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरा मैकबुक प्रो 16 इंच i7 है और ये न्यूली मैकबुक प्रो 14 इंच M1X. सो मैं आपको एक बार कलर क्वालिटी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इन दोनों का कलर कॉम्पोजिशंस है. सो जो ग्राफिक्स देख सकते हो, यहाँ का जो इमेज है, यहाँ का जो इमेज है बेसिकली लाइक यहाँ पे बहुत ही रिफाइंड तरीके से दिखाया गया है. यहाँ आई कैन से लाइक थोड़ा कम है बट थोड़ा एनहांस तो एप्पल ने करा है इस मामले में भी. अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इन दोनों मैक में मैं एक्चुअली एक फाइल रेंडर कर रही हूँ फाइनल कट पे. तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना टाइम ले रहा है और कितनी जल्दी ये रेंडर करके वीडियो प्रोसेस कर चुका है एंड एक्सपोर्ट कर चुका है. तो मैं आपको जस्ट दिखाती हूँ. सो वन में इसमें दोनों लैपटॉप्स पे सेम फाइल्स विद द सेम जीबी सेम साइज आई एम एक्चुअली रेंडरिंग इट एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस कि कितना टाइम लगता है. सो गाइस आई हैव स्टार्टेड इट. सो लेट्स सी लाइक हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग इट. ये थोड़ा हीट होने लगा है. ये अभी थोड़ा कम है लाइक न्यूली है. माई बेट विल कम आफ्टर सम टाइम बट हाँ लेट्स सी हाउ मच इट इज टाइम टेकिंग. सो गाइज आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसे रेंडर करने में टोटल कितना टाइम लगा है. 5 मिनट्स एंड ये अभी भी रेंडर हो रहा है. मैं आपको अपडेट दे दूंगी कि कितना टाइम लगा है इसमें. आइए इसकी और डिटेल्स के बारे में जानते हैं. तो यू ये बहुत ही लाइट वेट है एंड अगर हम इसकी वेट से कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा हैवी है. ऑब्वियसली इट्स अ 16 इंच इवन दो लाइक इट्स वे हेवियर देन दिस वन. सो ये काफ़ी सही लगा. ये 13 इंच एंड जो 14 इंच का है इसमें थोड़ा ही वेट का फर्क है बट ठीक है लाइक ये कंफर्टेबल है. वन कैन इजिली टेक इट आउट विद वन हैंड एंड सिट एंड वर्क ऑन दैट सिनेरियो. अगर किसी को मैकबुक प्रो की जरूरत है विद द हाई स्पेसिफिकेशन एंड दे डजंट वांट टू गो विद द हेवी वेट लैपटॉप सो एक बहुत ही अच्छा डील हो सकता है इस 14 इंच का. सो इस बार एप्पल ने ये बेस्ट किया है कि पहली बार उन्होंने 14 इंच का मैकबुक प्रो लॉन्च करा है विद द सेम स्पेसिफिकेशन एज द 16 इंच. सो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन गो विद दिस वन बिकॉज मोस्ट ऑफ द देम दे वॉन्ट द कम्फर्टेबलनेस इवन द सेम रीजन दैट्स द रीजन वी हैव बॉट दिस वन. हाँ तो इसके बाद ये देखते हैं कि ये आगे से कैसा इसका लुक है. सो देख सकते हो गाइज ये काफ़ी प्रीमियम सा लुक है. अगर मैं अपने पुराने मैकबुक प्रो 16 इंच का देखती हूँ तो इसमें इतना फर्क दिख नहीं रहा है बट ये शार्पनेस एट द एज थोड़ा ज़्यादा है. इतना नेग्लिजिबल ही डिफरेंस है एंड दोनों की हाइट आप देख सकते हो थोड़ा ही डिफरेंस है इसमें. जबकि ये फुल स्क्रीन है इसमें थोड़ी सी साइड में जगह है तो उसके कारण थोड़ी स्क्रीन इसकी इससे तो बड़ी ही है बट फिर भी लाइक लेंथ वाइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी है. ये तो पूरी की पूरी स्क्रीन इसने यूज़ कर रखा है स्क्रीन शो करने में क्योंकि आप देख रहे इनके कोई भी स्पेसेस एक्स्ट्रा नहीं है. ये टोटली यूज़ कर रखा है अपने स्क्रीन से एंड नाउ इसके अलावा अगर मैं इसको इसमें वीडियो प्ले करके आपको दिखाती हूँ तो कितनी इसकी क्वालिटी है वो आपको दिखाती हूँ. डाउन
डाउन साइड में एंड ये एक डिफरेंट सॉल्यूशन दिया है. ये जो ग्रिप देख रहे हो ये भी लाइक थोड़ा इन्हांस्ड है पुराने इनके मैकबुक से. तो आप ये देख सकते हो इसमें इन्होंने लाइक थोड़ा सा ही लाइक ग्रिप के लिए स्पेस दिया है, बट इस वाले में न्यू मैकबुक प्रो में ये इसे भी इन्हांस करा है. तो ये ग्रिपिंग पावर के लिए ज़्यादा बेटर है. अगर मैं इस पर रख रही हूँ एंड देन इसको टिल्ड वगैरह भी कर रही हूँ तो ये जल्दी से नीचे जा नहीं रहा, तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैक ने इम्प्रूव करा है. बट हाँ, SSD कार्ड एंड दिस HDMI केबल, दिस हैज इन्हांस्ड. एंड इसमें आप देख सकते हो 3C केबल, सी पोर्ट्स हैं, बट स्टिल पेन ड्राइव के लिए तो मुझे जगह मिली नहीं. पेन ड्राइव के लिए हमें वो कन्वर्टर लेनी पड़ेगी. बट ओवरऑल आई कैन से लाइक दिस इज द बेस्ट वन एंड वन कैन गो इफ दे वॉन्ट टू गो विद द 14 inch. एंड नाउ फाइनल मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताती हूँ. सो ये 1,94,900 समथिंग का पड़ा, उसके ऊपर HDFC का 10,000 का डिस्काउंट किया, मैंने पहले भी बोल रखा है. तो ये था ओवरऑल जिस तरीके से ये थोड़ा और ओल्ड होगा तो हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें से क्या लाइक साउंड आ रहे हैं कि नहीं, म्यूजिक क्वालिटी क्या है, कितना फास्ट है. अभी तो जैसे आपके सामने मैंने एक रेंडर फाइल करके दिखाया, सो ये काफ़ी फास्ट है. एंड नो डाउट एप्पल ने बहुत अच्छे से न्यू मैकबुक प्रो जो जिसमें टाइम लगाया है तो ये वर्थ इट है गाइज. अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो आप थोड़ा वेट कर लो, जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आ जाए तो उसमें आपको अच्छी डील मिल जाएगी. बट आई डोंट थिंक सो न्यूली लॉन्च में कुछ डिस्काउंट रिसेंटली मिलेगा, बट या लाइक यू कैन चेक इट out. So overall I would say like this is the worth it and if one is planning they can go for it. So guys, अगर आपने हमारा video यहाँ तक देख लिया है तो आपको अच्छा लगा तो please subscribe to our channel. We will come up with more such videos with unboxing and many other things. So please subscribe our channel. Thank you for watching.